मान लो मेरे घर पे आए मिस्टर विपिन जी, विपिन जी मेरे घर आए, मुझे इनको पानी पिलाना है, राइट अब विपिन जी घर आए मुझे पानी पिलाना है, बताना कि प्रोसेस ठीक चल रहा है कि इंप्रूव किया जा सकता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रोसेसेस, घर में भी प्रोसेस होते हैं, पानी पिलाना एक प्रोसेस है। सो इफ आई गो टू विपिन जी, राइट विपिन जी एंड आई, मेरे गेस्ट नहीं, विपिन जी पानी पियो, पानी पियो विपिन जी, पानी पियो पियो, इज इट अ राइट वे और आई कैन इंप्रूव दिस प्रोसेस, एनी सजेशंस? पूरा गड़बड़ है, ओके बहुत ही बेकार तरीका था। कई बार बेकार चीजें भी होती हैं, घर में होती हैं, कंपनी में होती हैं, हमारे साथ होती हैं, रिलेशंस में होती हैं, बहुत ही बेकार था। तो सजेशन दो ना, इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। वो घर पे हैं, मेरे सोफे पे हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्या इंप्रूव किया जा सकता है? ये सजेशन, आदर, रिस्पेक्ट, राइट। तो मैं उनको, विपिन जी को रिस्पेक्ट से पानी दूं, विपिन जी पानी लीजिए ना, रुक जाओ अभी इंप्रूव करेंगे। क्या इसको इंप्रूव कर सकते हैं कि परफेक्ट हो गया? पहले पूछें कि पानी लेंगे प्यार, यार हम तो भारतीय संस्कृति में तो कहते हैं कि अतिथि देवो भव, आए पानी पिला दो, पानी तो यार पिला दो, उसमें भी खर्चा बचाओगे, पहले पूछोगे कि सीधा 30 ml। तो मैंने रिस्पेक्ट ले आया, हाथ में बॉटल है, विपिन जी के पास चला गया, क्या और इंप्रूव कर सकता हूं इस प्रोसेस को? ग्लास, वेरी नाइस, सो लेट्स अज्यूम, सो मे आई टेक योर ग्लास? और ग्लास भी इंप्रूव किया जा सकता है कि मैं चेक करूं ग्लास साफ है। कुछ लोगों के घर में जाओ, यहां पे निशान से लगे होते हैं, मन नहीं करता पानी पीने का। तो आपके सजेशन पे मैंने इंप्रूव किया और ग्लास में पानी डाल दिया और मैं गया विपिन जी के पास, विपिन जी पानी लो, प्लीज पानी लीजिए, परफेक्ट ट्रे, वेरी नाइस, मेरा काम बढ़ाओ, मैं आए तो हम ट्रे भी ले आए, विपिन जी पानी लीजिए ना, परफेक्ट, बैठे हुए हो परफेक्ट, कुछ लोग यस, कुछ लोग नो, वापस तो कह रहे नहीं परफेक्ट, कुछ लोग कह रहे परफेक्ट है। भाई रिसोर्सेज इतनी है मेरे घर में, गरीब आदमी हो यार, मजाक उड़ा रहे हो, मेरे घर में फर्नीचर है ही नहीं, वैसे किताबें हैं यार बस, ओके। और इंप्रूव किया जा सकता है, दो लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा काजू सुन के, वो पीछे बैठ के कह रहे काजू कतली। चलिए स्नैक्स आ गए, पानी आ गया, ट्रे आ गया, जुबान पे प्यार आ गया, परफेक्ट नो, इतनी जल्दी कुछ और नहीं हो सकता इस प्रोसेस में। कोस्टर, ग्लास के ऊपर कोस्टर होगा तो सुंदर लगेगा, ग्लास के ऊपर कोस्टर आ गया, ट्रे आ गया, पानी साफ, ग्लास साफ, मुंह पे रिस्पेक्ट, विपिन जी पानी लीजिए, रुक जाओ, परफेक्ट। और क्या हो सकता है? वो नहीं थके, ऐसे ही बोल दो थके हुए हो, वो कहेंगे मेरे चेहरे पे लिखा है, ग्लास के नीचे ग्लास मैट आ सकता है। अब देखो एक बेसिक पानी पिलाने के प्रोसेस में अगर सवाल पूछा कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है तो जवाब मिलते जा रहे हैं, बहुत छोटा सा एक प्रोसेस पानी पिलाने का और आप लोग जवाब देते जा रहे हो, कुछ लोग परफेक्ट कहते जा रहे हैं, कुछ लोग इंप्रूव करते जा रहे हैं। अगर तब भी विपिन जी पानी ना पिए तो, अरे सेल्स के लोग हैं हम, ऐसे कैसे नहीं पिएंगे, सेल्स में खून है हमारे, नाना पाड़े करके आत्मा आ जाएगी अंदर, विपिन जी इस गीली चीज को पानी कहते हैं, उर्दू में इसको आप कहते हैं, मराठी में पन्नी कहते हैं, तामिल में कांदी कहते हैं, कन्नड़ में नीर कहते हैं और बांग्ला में इसको जौल कहते हैं, संस्कृत में इसको जीवन पाए अमृत अंबू कहते हैं, ग्रीक में एक्वापोर, फ्रेंच में एयर, इंग्लिश में वाटर और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंखों से बहता है ना विपिन जी तो आंसू कहलाता है, चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है और कभी कभी यही पानी सरकारी फाइलों में कुएं समेत चोरी भी हो जाता है। इसलिए जब दिल की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की घाघर खाली हो तो विपिन जी पानी लीजिए ना। विपिन जी सोच रहे हैं भाई पी रहा हूं मैं, अगर एक
बेसिक सी चीज, पानी पिलाने का बेसिक सा प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, उसमें हमने सिर्फ ये क्वेश्चन किया कि क्या इस प्रोसेस की मैं वैल्यू इंप्रूव कर सकता हूं, कैन आई एड मोर वैल्यू टू दिस बेसिक प्रोसेस, और आंसर्स मिलते गए खत्म नहीं हुए। कोई भी चीज, चाहे पानी पिलाना हो, चाहे कोई हॉल हो, जब ये हॉल बना होगा ईंटों की चार दीवारें, जब सवाल पूछा गया वैल्यू एड करा जा सकता है, कारपेट आया, लाइट्स आई, साउंड प्रूफिंग हुई, शैंडलियर्स लगे, कितना कुछ हुआ जब सवाल पूछा गया। अगर एक पानी पिलाने पे, सवाल पूछने पे जवाब मिलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा करियर, हमारा पोटेंशियल, हमारा बिजनेस, उसमें अगर वैल्यू एड पूछना शुरू कर दें तो शायद कभी खत्म भी नहीं होगा, इजंट इट। अगर तो मैं कमिटेड हूं अपने काम के साथ, अगर मैं कमिटेड हूं कि जब तक सिक्स नहीं आएगा डाइस थ्रो करता रहूंगा, तो हर रोज ये सवाल खुद को पूछूंगा, मार्केट में होऊंगा तब भी पूछूंगा, घर आया तब भी पूछूंगा, सुबह उठाऊं तब भी पूछूंगा, व्हाट वैल्यू आई कैन ऐड, कैसे मैं इस चीज की वैल्यू इंप्रूव कर सकता हूं। इवन इफ इट कम्स टू माई कस्टमर रिलेशनशिप, व्हाट वैल्यू कैन आई ऐड, इफ इट कम्स टू माई पर्सनैलिटी, व्हाट वैल्यू कैन आई ऐड, इफ इट कम्स टू माई बिजनेस, व्हाट वैल्यू कैन आई ऐड, अगर ये सवाल खुद को पूछा जाए तो कभी जवाब खत्म नहीं होंगे और ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं। हो, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, शाख ब्रांच, ख्वाहिश करते रहो फूल गिर जाएं, नहीं होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहकर, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा।